नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुशवाहा फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमलेश सृष्टि में। दोस्तों, यदि आपके पास वीवो का फ़ोन है और आपने भी अभी तक वीवो ऐप स्टोर का यूज़ नहीं किया है, तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि आप कैसे वीवो ऐप स्टोर का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी सेटिंग है, और जो है मान लीजिए किसी ऐप को आपने जो है इंस्टॉल कर दिया तो उसे कहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कौन कौन से गेम मिलेंगे, कौन कौन से ऐप मिलेंगे, सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो घंटे का निशान आएगा उसे दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको जो है वीवो ऐप स्टोर पर ला चुका हूँ। जब आप वीवो पे ऐप स्टोर खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां आपको ऑप्शंस मिलेंगे अलाउ वी ऐप स्टोर अपडेटिंग ऑटोमेटिकली ओवर मोबाइल डाटा, और दूसरा ऑप्शंस मिलेगा टर्न आर पर्सनलाइज्ड ऐप रिकमेंडेशन, अब दूसरा ऑप्शन है नीचे दोस्तों एग्री और एग्जिट का। यदि आप एग्री करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और यहां से आप बाहर जाना चाहते हैं तो एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहां पे एग्री पे जो है टैप करूंगा और मैं अगले पेज पे जाना चाहूंगा, तो दोस्तों मैं यहां पे जो है एग्री पे टैप करता हूं। देख सकते हैं दोस्तों, एग्री पे जब आप टैप करेंगे तो दूसरा पेज इस तरह से खुलेगा। यहाँ से आप इसे स्वीप कर देंगे, देख सकते हैं दोस्तों मैंने स्विप कर दिया। स्विप करते ही कुछ अगला पेज इस तरह का खुलेगा। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐप आपके सामने आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर माई 11 सर्किल ऐप भी है, जियो सिनेमा भी है, शॉपिंग ऐप भी हैं, एजुकेशनल ऐप भी हैं, बहुत तरह के ऐप हैं जो आप देखना चाहें। देख सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए आप IPL से संबंधित कोई ऐप देखना चाहते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसे जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आपको इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा। यदि आप मान लीजिए, देखिए सारे बहुत सारे ऐप हैं, आपके टेलीग्राम भी यहीं मिल जाएगा आपको जो है। मैसेंजर्स लेना चाहते हैं, मैसेंजर भी मिल जाएगा। फ़ोन पे चाहिए, फ़ोन पे भी मिल जाएगा। यदि आपको गेम में इंटरेस्ट है तो गेम से संबंधित बहुत सारे ऐप आपको यहाँ मिलेंगे। कैटेगरी भी मिल जाएगी, एक्शन की कैटेगरी मिल जाएगी, एडवेंचर की कैटेगरी मिल जाएगी, पजल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी कैटेगरियाँ मिल जाएंगी आपको। अब चलते हैं अगले स्टेज पे दोस्तों, देखते हैं। ऐप कैटेगरी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऐपों की कैटेगरी दी गई है, आप जिसे रिलेटेड चाहें उसे ले सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका आर्ट में इंटरेस्ट है तो आर्ट से संबंधित ले सकते हैं, पेंटिंग से ले सकते हैं, डिजाइनिंग से ले सकते हैं, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो ऐप आप यहाँ से ले सकते हैं। अब दोस्तों, तो नीचे भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, होम का ऑप्शन मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ व्हाट्सअप भी मिल गया। यदि आप किसी जो है ऐप को सर्च करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं फेसबुक सर्च करना चाहता हूं, देख सकते हैं दोस्तों फेसबुक भी आ गया। तीसरा से आप सर्च करके भी ऐप निकाल सकते हैं। रैंकिंग देखना चाहते हैं दोस्तों तो ऐप की रैंकिंग भी देख सकते हैं दोस्तों, यहां से आपको रैंकिंग का भी जो है ऑप्शंस मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, यदि गेम में देखेंगे तो पहले नंबर पे ड्रीम 11 आ रहा है, दूसरे पे जो है माई 11 सर्किल आ रहा है, तीसरे पे जो है फ्री फायर मैक्स आ रहा है। यदि मान लीजिए ऐप्स का रैंकिंग देखना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम नंबर 1 पे,
स्नैपचैट दूसरे नंबर पे, जियो सिनेमा तीसरे पे, व्हाट्सअप बिजनेस व्हाट्सअप चौथे पे, मैसेंजर्स भी यहाँ मिल जाएगा आपको, सारों के मिल जाएंगे आपको। अब दोस्तों देखते हैं सेटिंग के बारे में कुछ। डाउनलोड से संबंधित अगर आप सेटिंग देखना चाहते हैं, डाउनलोड मैनेजमेंट मिल जाएगा यहाँ पे, जो आपने ऐप डाउनलोड किए होंगे आपको यहाँ दिखाई देगा, देख सकते हैं दोस्तों सारे ऐप दिखाई देंगे यहाँ पे। यदि आप यहाँ से अनइंस्टॉल करना चाहें तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल का ऑप्शन है। हेल्प लेना चाहते हैं हेल्प का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से सेटिंग भी आप कर सकते हैं, जो सेटिंग करना चाहें वो सेटिंग कर सकते हैं, सारी सेटिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यदि वाईफाई पे आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसके भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, सेट एज डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों और बहुत सारे जो है आपको ऐप यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, आप इनमें से जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आज की आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जिससे इसका लाभ वो भी उठा सकें, और मेरे वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कैसी बनी हुई है और आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इस अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे।